मैं चंदन कुमार आज आप लोगों को वीडियो क्लासेस के माध्यम से कक्षा अष्टम विषय हिंदी पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। इस शीर्षक के माध्यम से इस कहानी के भावार्थ को सारांश को हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कहानी मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को जितना सुख संपत्ति धन वैभव मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर उससे संतुष्ट नहीं रहता है तो आने वाले समय में अगर जी नहीं बढ़ता है तो आने वाले समय में वो क्या करता है, अपना सारा संपत्ति सारा धन वैभव सुख संपत्ति को क्या करता है, गंवा बैठता है। इस कहानी के माध्यम से यह इसमें दिया गया है कि बाबा अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था जो बगदाद नगर में क्या किया था, पैदा लिया, जन्म हुआ था, यानी पैदा हुआ था। और उसके माता पिता के मरने के बाद माता पिता की जिससे जितनी भी विरासत में संपत्ति थी, धन था, दौलत था, वो सारा इसका हो गया। इसने क्या किया कि धन इतना पर्याप्त इसके पास मिला था, माता पिता का विरासत का धन जो अपने जिंदगी में अगर आराम से करता, उसको सही ढंग से भोग विलास करता तो अपनी जिंदगी को काट सकता था। लेकिन इसने क्या किया, अपने भोग विलास में इसने क्या किया, सारे संपत्ति को उसको उड़ा दिया, कुछ दिन में ही उड़ा दिया, यही गंवा बैठा। और उस गंवाने के बाद, भोग विलास में गंवाने के बाद उसने फिर दोबारा पुनः पूरा प्रयास किया, कई मेहनत करके संपत्ति को अर्जित किया और उस संपत्ति से कुल 80 ऊंट को खरीदा। और उस 80 ऊंटों का क्या करता था, किराया पर लगा देता था और उस किराए के सूद से अपने जीविका को, अपने जीवन को निर्वहन करता था। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों के माल ऊंट पर लाद कर बसरा ले गया। एक बार अब्दुल्ला ने क्या किया कि एक हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल यानी उसकी वस्तुएं को ऊंटों पर लाद कर बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर उसने क्या किया, किराया लिया और किराया लेने के बाद ऊंट लेकर फिर पुनः बगदाद वापस जाने लगा। फिर क्या हुआ, आगे जाता है, आगे देखता है कि एक हरा भरा मैदान है। हरा भरा मैदान देखकर वो अब्दुल्ला क्या करता है, वहां पे रुक जाता है और ऊंट को चरने के लिए छोड़ देता है और अपने एक पेड़ के छांव में, एक बगीचा में जाकर बैठ जाता है पेड़ के नीचे और ठंडाने लगता है क्योंकि वो थका हुआ रहता है। उसके कुछ देर के बाद ही वहां पर एक फकीर पहुंचता है। फिर यह दोनों एक साथ मिलकर खाना खाता है, या खाना निकालता है, फकीर से आग्रह करता है कि आप भी मेरे साथ खाना खाएं। फकीर इसकी बात को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता है, दोनों एक साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद फकीर इससे कहता है कि तुम इतनी कड़ी मेहनत बेकार करते हो, तुमको मैं एक राय देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ कि तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम एक दिन में ही धनवान बन जाओगे। फकीर ने अब्दुल्ला से कहा कि तुम बेकार कड़ी मेहनत करते हो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव यानी पैसा से, द्रव से, रत्नों से, शक्तियों से भरा हुआ है। यह धन तुम्हारे जीवन के लिए काफी होगा, तुम चाहो तो उसे अपने 80 ऊंटों पर उस बहुमूल्य द्रव को, शक्तियों को लाद लोगे जिससे तुम्हारा आने वाला कई क्रिया खाएगा और तुम्हें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब्दुल्ला के मन में विचार हुआ कि क्यों ना, और क्योंकि वो लालची किस्म का अब्दुल्ला था, उसके मन में यह विचार आया कि साधु महात्मा है, आखिरकार धन के पीछे क्यों पड़ा है। फिर सोचता है कि ठीक है, हमें अपने धन संपत्ति से मतलब है। वो कहता है फकीर से अब्दुल्ला कि अगर आप मुझे धन द्रव से या सर्पियों से, अगर पूरा सारे सामान से हमें लाद देंगे, हमको दे देंगे, तो मैं उसके बदले में आपको एक ऊंट दूंगा। लेकिन अब्दुल्ला की बातों को बड़ी बिल्कुल तरीके से ओ फकीर जो था कांप लिया। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इतना सक्रिया और द्रव दूंगा, इसके बदले में तुम्हें एक ऊंट नहीं दूंगा, तुम्हारा आधा ऊंट 40 ऊंट दूंगा, उसके बाद भी तुम्हें शेष 40 ऊंट बढ़ जाएंगे, वो तुम्हारे जीविका के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कम नहीं होगा। इसको भी मन में ऐसा हुआ, सोचा, बार बार सोचने के बाद इसकी इच्छा कर रहा था कि एक भी ऊंट ना दूं, लेकिन बार बार सोचने के बाद इसके मन में यह प्रश्न उठा कि क्यों ना उसे 40 ऊंट दे दूं, 40 ऊंट पर हम उतना रत्न और सब पियों से लाद दूंगा, शायद हमारे आने वाले कई पीढ़ियों के लिए यह पर्याप्त धन होगा। और फिर वो उस फकीर के बातों को सहजपूर्वक स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद कहता है ठीक है, मैं आपको 40 ऊंट दूंगा, आप मुझे उस जगह पर ले चलिए जहाँ वो जगह असरपियों और रत्नों से भरा हुआ है। फिर फकीर इसकी बात को स्वीकार करता है क्योंकि उसकी मांग ही रहता है 40 ऊंट देने के लिए, दोनों में सहमति हो जाती है। उसके बाद फकीर क्या करता है, आगे की ओर वहां से बैठता है, आगे की ओर गया और कहा कि वह जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो जगह दिखाने के लिए ले जाता है और अब्दुल्ला ने उसके पीछे पीछे गया और देखा कि फकीर और अब्दुल्ला पहाड़ों के बीच में खुला स्थान पर पहुंचा। फिर क्या होता है कि फकीर ने सूखी लकड़ियों को जमा करता है, जमा करके उसमें चकमक पत्थर से आग निकाली और जमा करके क्या करता है, चकमक पत्थर से आग को निकालता है। आग जलने पर झोली से द्रव निकालकर आग में फिर क्या करता है, डाल देता है।
यानी कि लकड़ियां सूखी लकड़ी को जमा करता है, फिर जमा करने के बाद उसमें चकमक पत्थर से आग निकालता है, आग निकालने के बाद फिर क्या करता है, उसी आग में अपने झोली से एक द्रव निकालता है और उस द्रव को उस पर रखता है, उसमें द्रव रखते ही उससे धुएं उठता है और धुएं से जबरदस्त आवाज उठता है और बादल उठा और वहां से कुछ दूर फिर आगे बढ़ता है, उस धुआं से आवाज आती है, उसमें से बादल उठता है और फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद दिखाई देता है कि बादल फट जाता है और फटने के बाद एक सुनहरा बहुत सुंदर सा रास्ता बन जाता है, वहां से फिर क्या करता है फकीर और अब्दुल्ला दोनों आगे की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ने पर उसको दिखाई देता है कि जिन्नों पर बनाया हुआ एक भव्य महल था जिसे शायद मानव नहीं बना सकता है, और महल देखने से अब्दुल्ला को ऐसा एहसास हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये इतनी खूबसूरत महल थी जिसे कोई मानव निर्मित महल नहीं था, वो किसी जिन्नों के द्वारा बनाया गया एक भव्य सुंदर सा महल था जिसमें असीम दरों से भरा हुआ था। उस महल में जब प्रवेश किया तो देखा कि उसमें बहुत सारा धन यानी असीम दरों से रुपयों से वो भरा हुआ था। उसके बाद क्या किया, दोनों ने फकीर और अब्दुल्ला दोनों ने असलिया क्या किया, अपने कुर्जिया में भरने लगा और भरते भरते फिर थोड़ा देर के बाद जब दोनों ने भरने लगा तो फकीर ने अब्दुल्ला से कहा कि तुम सिर्फ रत्नों को भरो, असलिया मैं भरता हूँ। फिर दोनों ने असलिया और रत्नों से पूरे अपने अपने जो कुर्जिया था, जो उसके वस्तु था भरने वाला, उसको भर लिया। भरने के बाद फिर क्या करता है, फकीर आगे की ओर बढ़ता है, वहां पर एक सोने की एक संदूक की लकड़ी की डिबिया निकालता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद एक सोने की संदूक है, उस संदूक से एक लकड़ी की डिबिया निकालता है, लकड़ी की डिबिया में से एक प्रकार का मरहम निकालता है, वो मरहम निकालने के बाद फिर क्या करता है, करके चार बार में फकीर कर मरहम का डिबिया निकालता है और डिबिया निकालने के बाद उससे फिर आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के बाद पूरे संपत्ति को लेकर आता है और अपने अपने ऊँटों पर लाद लेता है। ऊँट पर लादने के बाद 40 फुट लेके बसरा की ओर निकलता है और ये 40 फुट लेके बंगाल की ओर निकलता है अब्दुल्ला। फिर अब्दुल्ला के मन में ऐसा भावना उत्पन्न होता है क्योंकि ये लालची व्यक्ति का इसको बार बार आ रहा था कि वो साधु महात्मा फकीर है, भला वो 40 फुट लेके क्या करेगा, जाता है कहता है, फिर दोबारा पुनः लौटता है और फकीर के पास जाता है, पूछता है कि हमें आप 10 ऊँट दे दीजिए, आप 40 ऊँट लेकर क्या करेंगे, आपके लिए पर्याप्त 30 ऊँट है। फिर वो 10 ऊँट वापस फकीर कर देता है इसे कहने के अनुसार। फिर कुछ दूर 10 ऊंट लेके अब्दुल्ला आता है अपने पास, फिर कहता है दूसरी बार जाता है कि आप 30 ऊंट लेके क्या करेंगे, 10 ऊंट ले लेता है। फिर तीसरी बार जाता है, इस तरह से पुनः चार बार जाता है, चार बार में उसका 40 ऊंट को फकीर के ऊंटों को ही वापस ले लेता है। उसके बाद भी इसकी जो लालच इतनी बुरी है कि इसका लालचा से मन नहीं भरता है, उसने धन भय ऊंट के बाद भी वो सोचता है कि फकीर ने जो एक मरहम निकाला था उस संदूक से, उस डिबिया लकड़ी के डिबिया के अंदर से, वो मरहम आगे कर क्या है, उसके रहस्य को जानना है, वो अगर मरहम हमको नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, फकीर को मारेंगे और जबरदस्ती उसको छीन लेंगे। शायद इसके मन को वो फकीर भांप लेता है और फकीर के पास यह जाता है, उससे आग्रह करता है, प्रार्थना करता है अब्दुल्ला कि आप मुझे वो मरहम दे दीजिए। तो फकीर कहता है कि ठीक है, ये मरहम तुम लेके क्या करोगे, इस मरहम लेने से पहले इस मरहम की तुम विशेषता को जान लो कि इस मरहम की विशेषता क्या है। अब्दुल्ला कहता है ठीक है, आप इस मरहम की हमें विशेषता बताइए। तो फकीर बताता है कि इस अगर मरहम को तुम बाएं आंख पर लगाओगे तो सारे संसार के गुप्त कोष, मतलब खजाना होता है, मतलब दुनिया के जितने भी संसार के कोष है, खजाना है, वो सारे दिखाई देंगे। अगर तुम भूल से भी दाहिने हाथ में इस मरहम को लगा लिया तो तुम दोनों आंख से अंधे हो जाओगे। लेकिन इस फकीर के बात पर अब्दुल्ला को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला को स्वयं पर विश्वास नहीं था, वो ऐसा लालच में डूब चुका था, अंधविश्वास में खो चुका था कि उसे दुनिया में कुछ नहीं नजर आ रहा था धन के वैभव के अलावा, संपत्ति के अलावा। बार बार उसे फकीर समझाता है कि इस मरहम को तुम नहीं लो, इस मरहम को अगर तुम लोगे तुम्हें नुकसान होगा, अगर लेना भी चाहते हो तो सिर्फ बाएं हाथ पर लगाओ, दाएं हाथ पे लगाओ, दोनों हाथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट करता है कि पहले आप बाएं हाथ पर लगाए। ठीक फकीर के कहना अनुसार फकीर से बाएं हाथ पर लगाता है, तो बाएं हाथ पर लगाने के बाद अब्दुल्ला को पूरी दुनिया के खजाना कुछ दिखाई देने लगता है। फिर इसके मन में यह द्वंद पैदा होता है कि क्यों ना हम फकीर से यह आग्रह करें कि दाएं हाथ पर ही लगाए, हो सकता है कोई रहस्य होगा जो फकीर हमें बताना नहीं चाहता है, अगर दाएं हाथ में उस मरहम को मैं लगाऊंगा तो उससे हो सकता है जो रहस्य यह फकीर जानता है वह रहस्य हमें भी मालूम हो जाएगा। आइए फिर रिक्वेस्ट करता है, बार बार आग्रह करता है फकीर से कि आप हमें लगा दे। फकीर कहता है कि मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर तुम इसको दाहिने हाथ पे लगाओगे तुम दोनों आंख से अंधे हो जाओगे। कहा अच्छा कोई बात नहीं है, अगर मैं अंधा भी होऊंगा इसकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर होगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा, जो कुछ भी होगा कष्ट उसको मैं स्वयं झेलूंगा। और
फकीर के बार बार समझाने के बाद भी अब्दुल्ला उसकी बात को नहीं मानता है और कहीं ना कहीं फकीर को उस मरहम लगाने के लिए क्या करता है अब्दुल्ला, मजबूर कर देता है। मजबूरी में व्यवस्था के कारण फकीर क्या करता है, उस मरहम को बाएं आंख में तो पहले से लगाता है जब इसको पूरे गुप्त दिखाई देता है, पूरे संसार के गुप्त कोष दिखाई देता है, फिर दाएं आंख में भी लगाता है और अब्दुल्ला दोनों आंखों से अंधा हो जाता है। अंधा होने के बाद फिर वो फकीर से बार बार आग्रह करता है कि आप मुझे दोनों आंख वापस कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, अगर आप दोनों आंख वापस नहीं करेंगे एक खजाना ये ऊंट लेकर या सर पे ये रत्न लेके हम क्या करेंगे। अब्दुल्ला ने कहा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बार बार पहले ही हिदायत दिया था, कई बार हिदायत दिया, सलाह दिया, आग्रह किया, फिर भी तुमने मेरी बातों को नहीं माना, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर अब्दुल्ला चिल्लाने लगता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है फकीर, और फकीर सारा ऊंट और उस पर लदे हुए सपियों को लेकर वो क्या करता है, बसरा की ओर चल देता है और कहीं ना कहीं ये थक कर हार कर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है कौन, अब्दुल्ला चिल्लाने लगता है कि मुझे अब बगदाद अपने शहर की ओर जाना है। फिर से रास्ता में अली लैला नामक व्यापारियों से मुलाकात होता है जो कि व्यवसाय करने के लिए वो व्यापारियों का समूह जो कि बगदाद की ओर जाने वाला है वो वहां ले जाता है और फिर इसे कहता है कि तुम कसम खाओ उस अलीफ लैला किसको, अब्दुल्ला को, कि तुम आज से कभी से किसी से भिक्षा नहीं मांगोगे और इस वृत्तांत कहानी जो तुम्हारे साथ घटना घटी है तुम लालच में अपने दोनों आंखों को बनाए बैठे हो, तुम पूरे साधु महात्मा सारे दुनिया में चराचरों में संसार के सभी चराचरों में चारों दृष्टि चारों लोगों में जाकर तुम तीनों लोगों में बताओ कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लालच एक दिन क्या करता है, मानव को सत्यानाश कर देता है, उस सब कुछ अंत में खो बैठता है। तुम करो, मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, 5 पैसा दूंगा, उसी से तुम अपनी जीविका को चलाओ। बाद में उसे धन्यवाद देता है और कसम खाता है अब्दुल्ला कि मैं अपनी जिंदगी में लालच नहीं करूंगा, भिक्षा नहीं मांगूंगा और सबको यही शिक्षा दूंगा कि लालच करना बुरी बात है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमें बुरी बला है, जो भी व्यक्ति लालच करता है उसे अंत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए अपने मेहनत पर अपने कर्मों पर भरोसा करें और जो भी मेहनत रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी व्यवसाय के द्वारा आपका व्यवसाय कुछ भी हो, वो श्रमिक के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, किसान के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी कार्य करना है उसके रूप में कार्य करें और उस मेहताना से जो हासिल हो उससे अपनी जीविका चलाए, अपने परिवार माता पिता जो भी परिवार का सदस्य है उसकी जीविका के भरण पोषण करें। अगर ज्यादा लालच करेंगे तो लालच आदमी को मानव से शैतान बना देता है और मानव शैतान जब बनता है तो अंत में अपनी सब कुछ खो देता है और अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और चरित्र नुकसान उठाना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से आपको भी शिक्षा मिला होगा कि हमें लालच पूरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान पहुंचाएगा और इस पाठ भी हमें यही संदेश देती है, इसको हम सदा अपने जीवन में उतारेंगे और इससे शिक्षा यही ग्रहण करेंगे। अंत में इससे जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या हो, हमें उम्मीद है और आशा भी करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप हमारे संपर्क पर संपर्क करें, इस समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।